How to use Google Maps in Hindi. So आज के वीडियो में इस मेथड एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है 2020 एंड 2021 में और अपने Google Map को किस तरीके से यूज़ करना है 2021 में. बेसिकली ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मे बिगिनर्स के लिए कवर करो जो फर्स्ट टाइम जो गूगल मैप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टेड टाइम में पता नहीं होता है किस तरीके से इस गूगल मैप का यूज़ हमें डेली रूटीन लाइफ में कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक तरीके से कहूँ ना, गूगल मैप आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आता है अगर आप एक ट्रैवल करने वाले पर्सन हैं तो. बिकॉज हम आज के टाइम में कहीं पर भी रैंडम प्लेस पर जा सकते हैं, कहीं पर भी स्टक हो जाए या हमें कोई अननोन प्लेसेस के नाम नहीं पता हो जहाँ पे हम स्टक है, तो ऐसे में गूगल मैप हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमें उस प्लेसेस के बारे में आइडेंटिफिकेशन देने के लिए. अब लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँगा गूगल मैप्स के जो आपको एक तरीके से डेली रूटीन लाइफ में काम आएगा और इस तरीके से आपको गूगल मैप को किस तरीके से यूज़ करना है अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी पहले नंबर पे आता है कि जब भी आप कोई अननोन प्लेस पे विज़िट करो और आपको वो प्लेसेस में आप कहीं स्टक हो जाए और आपको प्लेस का नाम नहीं पता कि एग्जैक्टली वो प्लेस जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप स्टैंड है, वो एग्जैक्टली प्लेस का नाम क्या है, तो ऐसे में आप गूगल मैप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ? अब लेट्स एग्जाम्पल, जिस प्लेसेस पे भी आप है, जैसे कि मेरे केसेस में मैं इस प्लेस पर हूँ और मुझे इस प्लेस का नाम नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं गूगल मैप ओपन करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली ये जो ऑप्शन है इस पर डायरेक्टली मैं टैप करूँगा. टैप करने के बाद यहाँ पर ये वाला आइकन मुझे बता देगा कि मैं यहाँ पर हूँ. अब मुझे इस प्लेसेस का नाम जानना है तो डायरेक्टली जो ब्लू वाला आइकन है इस पर मैं टैप करूँगा. टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली ये मुझे बता देगा कि जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ, जहाँ पर भी मैं स्टैंड हूँ, वो एग्जैक्टली प्लेस का नाम क्या है. जैसे कि ये प्लेस का नाम है काराडी, as you can see that काराडी. जैसे ये एग्जैक्टली यही है इस प्लेस का नाम जहाँ पे मैं भी स्टैंड हूँ और एग्जैक्टली ये एकदम विलेज टाइप एरिया है, एकदम आई मीन खेड़ा गाँव जिसको कहते हैं वो एरिया है ये, और इसका नाम भी मुझे ऑटोमेटिकली गूगल बता रहा है काराडी. तो बेसिकली राजस्थान में आया है ये. तो एक तरीके से आप इस तरीके से प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो जो सेकंड वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप पर अपना लोकेशन अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ में इजीली शेयर कर सकते हैं. कैसे? गूगल मैप में आपको ऑप्शन मिलता है कि जब भी आप कोई प्लेसेस पर विजिट करो और आपको प्लेस अपने फैमिली के साथ में अपना आपको रियल लाइफ लोकेशन सेंड करना है तो आप गूगल मैप के थ्रू कर सकते हैं. इसके लिए आपको डायरेक्टली आइकन पर क्लिक करना है और फोर्थ नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन शेयरिंग का. क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यह वाला ऑप्शन आ जाएगा. डायरेक्टली आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है. सो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यह वाला ऑप्शन आएगा कि आप कितने टाइम तक अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं. तो यहां पर आप मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक अपना लोकेशन आप शेयर करा सकते हैं लाइक दिस. अदरवाइज आप चाहे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं. तो यानी कि जब तक आप इस ऑप्शन को ऑफ ना कर दें तब तक कि आपका लोकेशन आपके फैमिली मेंबर्स इजीली ट्रैक कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उसे चूज़ कर लेना. आप चाहे तो व्हाट्सअप पर अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं या तो आपको अदर प्लेटफॉर्म भी मिलता है, फेसबुक मैसेंजर, नॉर्मल मैसेजेस, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं. तो इसके लिए लेट्स एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्टली व्हाट्सअप पर क्लिक करता हूँ, अब उसके बाद डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट उसके लिए जिस भी आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं उसके बाद डायरेक्टली आपको ये वाला मैसेज उन्हें सेंड कर देना है. सेंड करने के बाद आपको डायरेक्टली ये वाला लिंक आपको दिख जाएगा. सामने वाला पर्सन इस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसे आपका लोकेशन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर है. तो एक तरीके से फिर वो आपको सामने से आकर पिकअप करके आपको साथ में लेके जा सकता है. सो इट्स वेरी यूजफुल टू लेट अदर नो योर लोकेशन. सो नाउ जो थर्ड वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप पर अपने नियर बाय प्लेसेस भी जान सकते हैं. अगर आपको जानना है कि आप जहाँ पर भी आप अभी स्टैंड हो और आप उस प्लेस पर कम्प्लीटली न्यू हो और आपको जानना है कि आपके नियर बाय में ATMs, रेस्टोरेंट्स, होटल्स कहाँ पर है, तो आप गूगल मैप के थ्रू ईजिली आइडेंटिफाई फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ? इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना लोकेशन यहाँ पे सेट करना है, यानी कि आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद गूगल मैप आपका लोकेशन ट्रैक कर लेगा कि आप इस प्लेस पर हैं. अब उसके बाद आपको जानना है कि आपके जहाँ पे भी आप इस प्लेस पे हो वहाँ पे नियर बाय में ATMs कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है नियर बाय ATM. और जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन डिटेक्ट करके बता देगा कि आपके नियर बाय में ATMs कहाँ पर है, एज यू कैन सी दैट. तो आपको इसलिए आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके नियर बाय में ATMs कहाँ पर है. अगर आपको सेम जानना है कि होटल्स कहाँ पर है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है नियर बाय होटल्स.
देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा नियर बाय होटल्स, और आपको नियर बाय में जितने भी सारे होटल्स हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको इस टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। सो नाउ जो फोर्थ वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप को एक ऑफलाइन मैप के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट। ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पे मोस्टली ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर आपका जगह फिक्स है कि आपको वो प्लेस पे ट्रैवल करना ही करना है मंथ में या वीक में। तो ऐसे में आप गूगल मैप को गूगल मैप के थ्रू उस जो एरिया है जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उसको आप ऑफलाइन बेसिस पे डाउनलोड करके विदाउट एनी इंटरनेट उस मैप के थ्रू यूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है, इस वाला आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑफलाइन मैप्स का। डायरेक्टली आपको इस ऑफलाइन मैप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम हियर। देन इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट योर ओन मैप। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया है, जो भी आपका लोकेशन है जिससे आप जहाँ पे आप मोस्टली ट्रैवल करते हो, उसे आपको चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की, तो आपको अपना इंटरनेट ऑन कर देना है और आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। तो ये जो ऑफ मैप है ये ऑफलाइन बेसिस पे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप एक विदाउट एनी इंटरनेट यूज़ भी कर सकते हैं। ये तभी काम आएगा जब आप कोई भी प्लेसेस पे मोस्टली ट्रैवल करते हो, वहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है और आपको गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है ट्रैक करने के लिए। तो ऐसे केसेस में आप इस ऑफलाइन मैप को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ जो नेक्स्ट वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप को एक 3D पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लोकेशन है पर्टिकुलर लोकेशन, उसे आपको 3D वे का यूज़ करके आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो गूगल मैप में आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, जो भी आपका लोकेशन है उसे आपको सेट कर लेना है पिकअप एंड ड्रॉप। देन इसके बाद आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना है। डाउन साइड में ऑप्शन मिल जाता है आपको गूगल अर्थ का, एज यू कैन सी, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले गूगल अर्थ की एक एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड कर लेने हैं, तो वो आपको डाउनलोड करने के बाद आप पर्टिकुलर इस एरिया को 3D वे में यूज़ भी कर सकते हैं और आप इसे इजीली 3D वे में ट्रैक कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो एक तरीके से बहुत ही ज़रा काम में आता है जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया आप 3D वे में ट्रैक करना चाहते हैं। तो सो नाउ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से फीचर्स जो आपको एक तरीके से हमेशा काम में आएगा गूगल मैप को यूज़ करते वक्त। सो दिस विल हेल्प इन 2020 एंड 2021, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है गूगल मैप के रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।